हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉर्ट में मेंटल एलिमेंट के बारे में करवाऊंगा कि मेंटल एलिमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी टॉर्ट में और टाइप्स ऑफ डैमेजेस के बारे में भी बताऊंगा। जो मेंटल एलिमेंट है टॉर्ट के अंदर वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि जनरली अंडर क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उसके अंदर मेंस रिया का जो एलिमेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है। गिल्टी माइंड, एक जो इंटेंशन होती है किसी भी पर्सन की वो दूषित होनी चाहिए। क्राइम के अंदर मेंस रिया और ए गिल्टी माइंड इज नेसेसरी एलिमेंट फॉर लाइबिलिटी। मेंस रिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी क्राइम के अंदर लाइबल ठहराने के लिए किसी भी दोषी को। बट द सेम इज नॉट द केस विद द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लेकिन गिल्टी माइंड जो मेंस रिया का एलिमेंट है वो टॉर्ट लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता। टॉर्ट सच एज असोल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, डेसिट, मालिशियस प्रोसिक्यूशन, कॉन्स्पिरेसी, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे फर्दर लेक्चर्स में। ये जो टॉर्ट्स हैं जैसे असोल्ट है, बैटरी है, कोई फॉल्स इंप्रिजनमेंट है या डेसिट है या मालिशियस प्रोसिक्यूशन है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, इनके अंदर पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड की थोड़ी सी रेलिवेंस होती है। पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड कैसा था उसकी थोड़ी बहुत रेलिवेंसी होती है टू एसर्टेन द लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी निर्धारित करने के लिए। लेकिन वाइल इन टॉर्ट सच एज नेग्लिजेंस, जैसे नेग्लिजेंस का टॉर्ट है या डिफेमेशन का टॉर्ट है, उसके अंदर मेंटल एलिमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेंटल एलिमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, डू नॉट रिक्वायर ए मेंटल एलिमेंट एंड दिस इज कंप्लीटली इररेलीवेंट। और ये इसीलिए इररेलीवेंट होते हैं, इसमें मेंटल एलिमेंट में कोई रेलिवेंसी टॉर्ट के अंदर नहीं होती। अब आप टाइप्स ऑफ डैमेजेस देखो, टाइप्स ऑफ डैमेजेस किस तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ डैमेजेस मेनली जो डैमेजेस होते हैं वो चार तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस में क्या होता है कि इन द सिचुएशन वेयर देयर हैज बीन ब्रीच बट द नॉन ब्रीचिंग पार्टीज हैज रियली सफर्ड नो लॉस, जहां पर किसी एक पार्टी ने कोई ब्रीच कर दिया लेकिन जिसके खिलाफ कोई ब्रीच किया उसने कोई लॉस सफर नहीं किया। मान लो कि ए ने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया बी के अगेंस्ट, यहां पर जो टॉर्ट, जो राइट ए ने बी का राइट जो वायलेट किया है, लीगल राइट जो वायलेट कर दिया, उस लीगल राइट वायलेट करने के कारण बी का कोई भी लॉस सफर नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ उसको एंड कैन नॉट प्रूव। और बी जो है अपने केस में अपने लॉस को, जितना लॉस उसको हुआ है वो प्रूव भी नहीं कर पाया व्हाट इज हिज लॉस एंड कैन नॉट प्रूव व्हाट हिज लॉस इज, ही इज एंटाइटल टू नॉमिनल डैमेजेस। तो वहां पर कुछ जायज से नॉमिनल डैमेजेस दे दिए जाते हैं, कुछ पैसे उसको दे दिए जाते हैं एज ए लॉस जहां पर वो प्रूव ना कर पाए, ये अमाउंट में थोड़े से कम होते हैं नॉमिनल डैमेजेस। सेकेंड है कंपनसेटरी डैमेजेस। कंपनसेटरी डैमेजेस कैसे होते हैं, डैमेजेस पेड टू डायरेक्टली कंपनसेट द नॉन ब्रीचिंग पार्टी फॉर द वैल्यू ऑफ वट वॉज नॉट डन और परफॉर्म्ड आर कंपनसेटरी डैमेजेस। ये जो डैमेजेस होते हैं ये मेनली कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में आपने देखे होंगे कि मान लो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बी ने या ए ने अपना जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म ना किया हो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो कंपनसेटरी डैमेजेस होते हैं, उसके जो नॉन परफॉर्मेंस है, उसको लॉस हुआ है, बी को लॉस हुआ है या ए को लॉस हुआ है, वो डैमेजेस उसको दे दिए जाते हैं। तो डैमेजेस पेड डायरेक्टली, ये जो डैमेजेस हैं वो डायरेक्टली पे किए जाते हैं टू कंपनसेट द नॉन ब्रीचिंग पार्टी, जो नॉन ब्रीच, जिसने ब्रीच नहीं किया किसी भी कंडीशन का, उसको पे किए जाते हैं ये डैमेजेस। थर्ड है प्यूनेटिव डैमेजेस। प्यूनेटिव डैमेजेस एज ए फाइन यूज किए जाते हैं, ये एक तरह का फाइन होता है। प्यूनेटिव डैमेजेस आर दोज अवॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ पनिशिंग ए डिफेंडेंट, किसी भी डिफेंडेंट को पनिश करने के लिए ये प्यूनेटिव डैमेजेस दिए जाते हैं। मान लो ए और बी के बीच में कोई टॉर्ट का केस चल रहा है और बी ने कोई टॉर्ट कमिट कर रखा है, ये डिफेंडेंट है केस में, तो इस केस में क्या होगा, अगर बी ने कोई टॉर्ट कमिट किया है और पता चल गया है कि बी ने ही वो टॉर्ट कमिट किया है, तो बी को पुनिटिव डैमेजेस देने पड़ते हैं। पुनिटिव डैमेजेस मतलब बी को पनिशमेंट देने के लिए, बी को पनिश करने के लिए, इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन तो कोई टॉर्ट में है नहीं लेकिन फाइन का प्रोविजन है, तो वो पुनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं, एज ए फाइन बी को वो डैमेजेस देने पड़ेंगे। पुनिटिव डैमेजेस आर दोज अवॉइडेड फॉर द पर्पज ऑफ पनिशिंग ए डिफेंडेंट,
डिफेंडेंट को पनिश करने के लिए जो डैमेजेस दिए जाते हैं वो होते हैं प्यूनेटिव डैमेजेस इन ए सिविल एक्शन इन विच क्रिमिनल सैंक्शन आर ऑफकोर्स अनअवेलेबल, जहां पर क्रिमिनल सैंक्शन नहीं होती, क्रिमिनल जो पनिशमेंट्स हैं वो नहीं होती, जैसे इम्प्रीजनमेंट का प्रोविजन है, इम्प्रीजनमेंट, जहां पर इम्प्रीजनमेंट नहीं होता वहां पर ये प्यूनेटिव डैमेजेस का कॉन्सेप्ट होता है, आर ऑफकोर्स अनअवेलेबल, दे आर प्रॉपर इन केस इन विच डिफेंडेंट हैज एक्टेड विलफुली एंड मालिशियसली एंड आर थॉट टू डेटर अदर्स फ्रॉम एक्टिंग सिमिलरली, जहां पर डिफेंडेंट ने कोई काम विलफुली किया है, अपनी मर्जी से किया है और मैलिशियस इंटेंशन से किया है, तो वहां पर ये जो डैमेजेस हैं ये डैमेजेस दिए अवॉर्ड किए जाते हैं। ये हो गया आपका प्यूनेटिव डैमेजेस। थर्ड टाइप ऑफ डैमेजेस होते हैं कॉन्टेम्परेनियस डैमेजेस। इसमें क्या होता है, इन दीज टाइप ऑफ डैमेजेस द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस दैट द राइट ऑफ अ प्लेंटिफ इज वोयलेटेड बट टू शो दैट द सूट ब्रॉट बाय द प्लेंटिफ इज ऑफ सच ए ट्राइबल नेचर। इसमें क्या होता है कि कोर्ट को जब ये लगता है रिकॉग्नाइज, जब कोर्ट ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो प्लेंटिफ के राइट्स हैं वो वोयलेट तो हुए हैं लेकिन प्लेंटिफ को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल ट्राइबल मतलब बहुत ही सिंपल से नेचर का कोई टोर्ट कमिट किया था, ट्राइबल नेचर का टोर्ट था, दैट इट हैज ओनली वेस्टेड द टाइम ऑफ कोर्ट, और वो केस फाइल करके प्लेंटिफ ने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, तो वहां पर कोर्ट क्या करती है, वहां पर कोर्ट प्लेंटिफ को एक सिंपल सा अमाउंट पे कर देती है, एक मर्जर बिल्कुल छोटा सा अमाउंट पे कर देती है एज ए डैमेजेस, ताकि फर्दर प्लेंटिफ ऐसे छोटे छोटे केसेस फाइल ना करे, तो इनको बोलते हैं कंटेम्परेनियस डैमेजेस। तो आज आपको टाइप्स ऑफ डैमेजेस करवा दिए हैं और मेंटल एलिमेंट बता दिया है कि टोर्ट के अंदर कितनी रेलिवेंस है मेंटल एलिमेंट की। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे फर्दर मैं आपको अलग टॉपिक करवाऊंगा। थैंक यू।